could wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I. Hey guys, welcome to my new blog. तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम पंकज और मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. और एज ए फर्स्ट ईयर आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आज है 18 सितंबर. 18 सितंबर मनाते हैं वर्ल्ड बम्बू डे, और जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व बांस दिवस. तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे प्रोफेसर सर हैं वो उपस्थित हो रहे हैं, तो उनसे आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. तो चलते हैं कॉलेज. और जो लोग अभी चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कॉलेज और हमारे संगी साथी और हमारे जो जूनियर हैं सब लोग उपस्थित हो चुके हैं. और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेहनत की है और काफ़ी अच्छी ड्राइंग तैयार की है. और अभी कुछ देर में हम सुनेंगे डॉक्टर योगेश सुमथानी सर और डॉक्टर चंद्रकांत तिवारी सर. तो इनसे डिटेल में जानकारी लेंगे और सर बताएंगे हमें कैसे क्या, मतलब बम्बू किस किस काम आता है और कैसे क्या है, पूरी प्रोसेस सुनेंगे और बात करें इन लोगों की. तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेहनत की है, बम्बू को काट कर भी काफ़ी अच्छी डिजाइन तैयार की है. और अब हमारे सामने हैं डॉक्टर योगेश सुमथानी सर, डॉक्टर चंद्रकांत तिवारी सर. जैसे आप लोग जानते हैं, आज विश्व बम्बू दिवस है, वर्ल्ड बम्बू डे. ये हर साल हर महीने सितंबर में 21 सितंबर 2022 को आज मना रहा है. इसका महत्व अगर देखा जाए तो जो जंगलों के ऊपर जो प्रभाव और प्रेशर पड़ रहा है, टिम्बर के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए बांस की खेती एवं बांस को जंगलों में लगाने का जो प्रयास सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से हर जगह पे हो रहा है. और इसके बहुत सारे जाति प्रजातियाँ पूरे विश्व में हैं. भारत में भी लगभग 135 से लेकर 140 प्रजातियाँ आज यहाँ पे अवेलेबल हैं. और उसका यूज हम सब हमारे कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री के तहत ELP के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं. और इस उपयोगिता के तहत लोगों को भी हम इसका ज्ञान दे रहे हैं. आज हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रकांत तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्री डिपार्टमेंट एंड कॉलेज रिसोर्स उपस्थित हैं. आपका काम MSc से लेकर PhD से लेकर आप तक इस समय तक बांस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जेनेटिकली इम्प्रूव वराइटी देने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं सबको उम्मीद करता हूँ कि आपका विचार, आपके सुझाव हमारे लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. और आप यहाँ पे आके आपके अनुमोल विचार जो है हमारे साथ साझा करें. इसी के साथ मैं ये मंच तक आपको बुला. बच्चों, जैसे आप सभी बताया डॉक्टर योगेश सुमथानी जी ने कि आज हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड बम्बू डे, जिसको हर साल क्योंकि आप यहाँ जो फंक्शन भी होते हैं उसमें आप रेगुलर सुन से आते हैं कि किसी की डे मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि वो डे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो स्पेशली अगर हम बैम्बू की बात करें, अगर हम वर्ल्ड बम्बू डे मना रहे हैं, इसका मतलब बैम्बू अपने में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल है. अगर हम बॉटनी को देखते हैं, हम ट्रीज स्पीसीज की बात करते हैं, ग्रास तो हमेशा एक ग्रुप में आता है, लेकिन हम बैम्बू की बात करते हैं वो अपने में ही एक क्या है, सेपरेट एंटिटी है. जैसा कि सर ने भी बताया, टोटल हम अगर इन जनरल अगर हम देखते हैं बैम्बू के बारे में पता नहीं तो कहते हैं बांस ही तो है, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए 135 स्पीसीज आपको इस बैम्बू से लेकर के जो ट्रॉपिकल बैम्बू होते हैं आपको 3 से भी ज़्यादा उनकी हाइट आपको देखने. और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रास फैमिली के हैं, और आपको पता है कि जो ट्री होते हैं वो पेरिनियल होते हैं, उनकी हाइट होती है. ये बड़ा क्लियर है कि ये ग्रास फैमिली का है. और आप सभी जानते हो जब ट्री की बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं ना, लेकिन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, फिर भी इतना टॉल ग्रास है. तो इसका जो हैबिट है वो अपने में ही बताता है इतना स्पेशल. सिर्फ बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, अगर हम यूज को भी देखते हैं तो ये इसका मल्टीपल यूज है. ठीक है, दैट्स हाईली फैलेसी. आप डे टू डे लाइफ से लेकर के अगर आप अपनी कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है ना कोई भी आइडिया कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं वैल्यू का इम्पॉर्टेंस. आप सारे बुक साइज पढ़ रहे हैं और आज के टाइम में देखा जा रहा है और आगे
आने वाले टाइम में कम्प्लीटली वुड को जो रिप्लेस करेगा वो वैल्यू करेगा, क्योंकि जब आप सभी ने प्री इम्प्रूवमेंट पढ़ा होगा तो प्री इम्प्रूवमेंट पहला ही जो चैलेंज पढ़ते हैं ट्री के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि लॉन्ग लाइफ साइकिल। कम से कम आपको कमर्शियल टिम्बर की बात करेंगे तो 15-10 से 20 का, बहुत अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का भी किया तो 10 ईयर्स तक भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी 10 साल, लेकिन अभी भी अगर टिक की बात करते हैं तो आपको 15 से 20 साल तक वेट करना ही पड़ता है। लेकिन अगर बैंकों को आज फोन करो तो मिलियन 4 to 5 मिला आगे से, तो हमारे लिए क्योंकि आज का जो टाइम आप इतना अगर आप वेट करेंगे आज प्लान करेंगे ना आपके 20 ईयर, अगर आप उस रेस्पेक्ट में भी देखें तो बैंक हमारे लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक के लिए। पहला तो हो गया उसका शॉर्ट रोटेशन, दूसरा जो मैनेजमेंट की बात करते हैं अगर आप कोई भी बेसिस किसी लगा तो उसके लिए कितना मैनेजमेंट की जरूरत है, इरीगेशन सॉयल वर्किंग उसका सबसे बड़ी बात रख रखाव, ठीक है। ये वैल्यू की जब बात करते हैं तो उसमें इनपुट लगता है ऑलमोस्ट नो इनपुट, स्टार्ट में आपने एक साल ले लिया इरीगेशन के बाद उससे सस्टेन आपने लगा के छोड़ दिया वो ग्रो करेगा और आराम से आप हार्वेस्ट करते रहिए और एक वन टाइम भी हार्वेस्ट करिए, दिन भर में आप क्या करते वन टाइम हार्वेस्ट आप इसको ब्रेन में हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपको लगा था तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोटेशन पीरियड तो हमारे लिए बैंक बहुत ही स्पेशल है, खासकर प्रोसेस could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Life, you're all that you want. I had you come, I'm right. You're all that you want. Life, you're all that you. You come, I'm right, you're all that you want. I don't want no life, you're all that you want. I had you come, I'm right, you're all that you want. I don't want no life. अंकल मैं पूछ सकता हूं
वल्गैरिस पैनेटा तीन का ग्रुप था, फिर तो बाद में उनको अलग अलग स्पीसीज मिली, बैम्बूसा वल्गैरिस, अब ग्रीन बैम्बू को बोलते हैं, ग्रीन कलर का स्ट्रेटा है आपका येलो बैम्बू। तीसरा एक लगा हुआ लोटा पांच बोलते हैं, बैम्बूसा वॉमिनेंट। पहले वल्गैरिस का तीनों पार्ट था, बैम्बूसा वल्गैरिस ग्रीन, बैम्बूसा वल्गैरिस स्ट्रेटा और बैम्बूसा वल्गैरिस वॉमिनेंट। ये बाद में इनके फीचर्स को देखा कि तीन अलग अलग स्पीसीज। वॉमिनाई मैं जोड़ना चाहूंगा रक्त आपको ही, वॉमिनाई जो है वो आपका बुद्धा बाम्बू से भी नाम से भी जाना जाता है, बुद्धा बेली, बुद्धा बेली, क्योंकि उसमें जो है बुद्धा का जो बाल की जो होता है स्ट्रक्चर वैसे उसका बेली होती है ना, इसलिए उसको बुद्धा बाम्बू बोलते हैं। ऑर्नामेंट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल बाम्बू बोलते हैं। तो आइए कुछ लोग इधर आइए, कुछ लोग इधर आइए, पता नहीं कब तक सर्वाइव करेगा। इसका फर्नीचर जो है क्योंकि नकली ये ब्लैक होता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। इसका प्रोपगेशन भी बहुत टफ है, आप देख सकते हो नेचुरली भी दो साल में वो कितना बड़ा हो गया ना, और सेम टाइम पे लगा। अभी ये पहली बार से एक ही सूट है, हरा होता है फिर सूखता फिर हरा होता है, कोई इसमें सूट नहीं मिली। हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट ये है कि ये जिंदा है देखने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं येलो में येलो कलर का होता है, वैसे इसका भी नेचुरल ब्लैक है, मरा नहीं हुआ, नेचुरल ब्लैक है, बहुत ही रेयर बैम्बू है ना। और इसका यूटिलाइजेशन यूनी नोडल लेते हैं एक नोड और हॉरिजॉन्टल करते हैं तो बाई नोडल। यही वाला बस आपके हॉस्टल के सामने, थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, इतना बड़ा हो गया अभी वो छोटा सा है।